लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। स्पोर्ट्स डेस्क ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2001 में कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए टेस्ट को भारत ने जीतकर ऐतिहासिक बना दिया था। इस दौरान वीवीएस लक्ष्मण ने 281 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जबकि स्पिनर हरभजन सिंह ने हैट्रिक ली थी। हरभजन ने उन पलों को याद करते हुए कहा कि वह स्टेडियम में मौजूद होने के बावजूद सचिन तेंदुलकर के कारण लक्ष्मण की ऐतिहासिक पारी को देख नहीं पाए थे। एक समाचार पत्र के लिए लिखे कॉलम में हरभजन ने खुलासा किया कि मुझे याद है, उस साझेदारी के दौरान हम ड्रेसिंग रूम में अपनी सीट से हिले तक नहीं थे। इसका कारण बताते हुए उन्होंने लिखा, दूसरी पारी में भी हमारे विकेट लगातार गिर रहे थे, लेकिन जब राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण के बीच साझेदारी शुरू हुई तो सचिन ने फैसला लिया कि हम जहां हैं वहीं बैठे रहेंगे। उस दिन पूरा एक सत्र बिना विकेट गिरे निकला और दूसरे दिन भी हम वहीं बैठे रहे जहां बैठे थे। हरभजन ने आगे लिखा, ड्रेसिंग रूम के अंदर होते हुए भी मैं लक्ष्मण की ऐतिहासिक पारी की एक भी गेंद देख नहीं पाया था। हालांकि जब लक्ष्मण ने शतक लगाया तो वे ताली बजाने के लिए बाहर निकले थे और अगले से पहले फिर ड्रेसिंग रूम में लौटकर अपनी जगह पर बैठ गए थे। मुझे अच्छे से याद है कि सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट निकाली थी और टॉवेल को कंधे पर रखा था। गौर हो कि पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन बनाए थे और टीम इंडिया जवाब में 171 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। भारत ने दूसरी पारी में लक्ष्मण की 281 रनों की अद्भुत पारी की बदौलत वापसी की और उनका साथ दे रहे द्रविड़ ने भी शतक ठोका। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 376 रन की साझेदारी की थी।